नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। लगातार हम कोशिश करते हैं हर जमीन से जुड़ी समस्या को उठाने का और ऊपर तक पहुंचाने का, ताकि उस समस्या का समाधान हो सके। अभी महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी में खड़े हैं, क्योंकि फसल की खरीद होने वाली है। बाजरे की, मूंग की जो फसल है, उसकी खरीद होनी है। आपको पता है, जो सरकार काफी समय से बातचीत कहती आ रही है कि भाई किसानों की जो आय है उसको दोगुना किया जाएगा। किसान प्रधान देश है, खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं बहुत से लोग। और अभी बात करें कि अनाज मंडी महेंद्रगढ़, सबसे पुराना जिला कहा जाता है महेंद्रगढ़ हरियाणा का, लेकिन जो अनाज मंडी है उसका जो एरिया है बहुत छोटा सा एरिया है। दूसरी बात, फसल खरीद हो जाती है लेकिन खुले आसमान में पड़ी रहती है, और तीन सेट की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। काफी बार लोग आवाज उठा चुके कि भाई खुले आसमान में हमारी फसल रहती है, कभी भी बारिश हो सकती है, नुकसान किसान का हो सकता है या दुकानदार का हो सकता है। तो टीन सेट की बड़ी समस्या है। अभी अगर बात करें, हर बार 1 अक्टूबर से फसल की जो खरीद है वो होती है, लेकिन अब की बार बारिश जल्दी होने से मई लास्ट जून फर्स्ट में बाजरे की बिजाई हो गई थी। इसको लेके अभी जो फसल है वो लगभग कट चुकी है और निकलने के प्रोसेस में है, और कभी भी मंडियों में आ सकती है। तो सरकार को भी 1 अक्टूबर से पहले खरीद करनी चाहिए। आदेश भी आए हैं, जगह भी निर्धारित कर दी है। महेंद्रगढ़ जिले में 13 जगह पर फसल की जो है खरीद की जाएगी। और अगर आपको व्यवस्थाएं दिखाएं महेंद्रगढ़ में, कैसी व्यवस्थाएं आप देखें, ये सड़क है अनाज मंडी महेंद्रगढ़ की, आप मेरे साथ साथ चलते रहें। अभी इसके अंदर लगभग 75 लाख रुपए की लागत से ये सीवरेज लाइन और ये सड़क की व्यवस्थाएं हैं वो बनेंगी, लेकिन करीब 3 महीने से ये काम चल रहा है। बीच में रुक गया था एक बार किसी कारण से। क्या प्रशासन को नहीं सोचना चाहिए था कि भाई किसानों को यहाँ आना है, पहले ही ना के बराबर जगह यहाँ अनाज मंडी को दे रखी है, उससे आगे इसको भी समय पे तोड़ दिया गया, बनाने में समय और लगेगा। अभी कहाँ जाएंगे किसान? कहा जाता है कि भाई इसको अगर नहीं बन पाती है दूसरी जगह पे खरीद कर लेंगे, लेकिन किसान तो सबसे पहले वो यहीं पे आएगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। अभी अगर बात करें कितनी जगह खरीद, 13 जगह खरीद होनी थी। पहले खरीद कहाँ कहाँ होती थी वो मैं आपको बताता हूँ। अटेली, कनीना, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी, सतनाली, यहाँ पे पहले खरीद होती थी, लेकिन अब की बार ये जो क्राइटेरिया है ये बढ़ाया गया है। इसमें एक बात करें, पाली, बाछोद, बोचड़िया, धनोंदा, करीरा, आकोदा, श्री कृष्ण गोशाला, हुड्डा सेक्टर महेंद्रगढ़ में खरीद की जाएगी। मतलब जो खरीद की लोकेशन है, जो जगह है, वो 13 कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। लेकिन समस्या ये है कि क्या महेंद्रगढ़ में इससे अच्छी और जगह जहां हम अनाज मंडी को शिफ्ट कर सके या बड़ी जगह ले सके किसानों के लिए, क्योंकि किसान प्रधान देश है। हर बार सरकार कहती है कि किसानों की जो आय है वो दोगुनी कर दी जाएगी। तो आप एक बार देखें कि इस प्रकार के रोड में किसान आएंगे तो क्या उनकी आय दोगुनी हो पाएगी। किसान हर बार मरता है, क्यों? कभी बारिश होगी, कभी सूखा पड़ गया, किसान को तो सिर्फ झेलना ही पड़ता है। आप इन सड़कों पे आएंगे कहाँ जाएंगे किसान? ये सब बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर आप देख सकते हैं। ये सड़क बनने वाली है, बीच में काम अटक गया, तो क्या ये काम नहीं अटकना चाहिए था? इस काम को जल्दी करवाना चाहिए था। अभी मार्केट कमेटी के अधिकारी कहते हैं भाई जगह निर्धारित होगी, सिर्फ समय निर्धारित नहीं हुआ कब खरीद होगी। तो लोगों की उम्मीद है भाई फसल तो लगभग निकल चुकी है, 1 अक्टूबर से पहले इसकी जो खरीद है वो शुरू की जाए। अभी किसानों की बात करें खरीद के लिए, बेचने के लिए अपने सामान को, यहाँ पे फसल को आएंगे, इसकी व्यवस्था आप देख सकते हैं रोड की, यहाँ पे उनको परेशानी होगी। फिर सरकार कहेगी, प्रशासन कहेगा भाई यहाँ पे व्यवस्था नहीं बन पा रही है, आप नजदीकी दूसरे सेंटर पे जाएं। अच्छा, दूसरे सेंटर पे यहाँ से जाएंगे वो दूर भी रहेगा। और यहाँ क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए था कि भाई अभी यहाँ किसानों की फसल की खरीद होगी, तो इसको पहले ही अपने तरीके से ढाल लेना चाहिए था। अधिकारियों को सोच लेना चाहिए था कि भाई यहाँ किसानों के ट्रैक्टर फसल बेचने के लिए आएंगे, लेकिन वो सब चीजें नहीं देखी गई। अभी समय पे कहा गया है कि भाई यहाँ जो टॉयलेट बने हुए हैं उनकी सफाई करवा दी गई है, पानी की व्यवस्था है उसको सही करवा देंगे, तो क्या पहले कहाँ गया था वो प्रशासन? किसानों के हित में बार बार कहते हैं आय दुगनी करेंगे, लेकिन यहाँ तो हाल देख सकते हैं कि बड़ा बुरा हाल है।
तो इस वीडियो को शेयर करें और हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, ताकि जो मंडी का हाल है वो हर व्यक्ति जान सके और यहाँ जो खरीद जिसको करवानी है आसपास के लोगों को वो देखें कि भाई किस प्रकार से क्या चल रहा है। लगातार इस प्रकार की अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज 16। नमस्कार, धन्यवाद।